तो बच्चों, इस वीडियो में क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मेंटल मैथ्स चैप्टर फोर दो चर वाले रैखिक समीकरण के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 अपलोड कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। साथ में चैप्टर 3 के सभी क्वेश्चन अपलोड हैं, वो भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 21, रैखिक समीकरण 5x + 2y = 10 के आलेख के उस बिंदु के निर्देशांक बताइए, यानी हमको निर्देशांक पता करना है जिसकी कोटि दिया है भुज की 201/2 गुना हो। आंसर नंबर 21, देखो ध्यान से, आंसर नंबर 21, ठीक है। इक्वेशन है 5x + 2y = 10 और कोटि दे रखे हैं। कोटि क्या होता है बच्चों? वाई, ठीक है। वाई का पता है कितना, 2 = 1/2 है, किसका है, भुज का। तो भुज हमें निकालना है, यानी भुज क्या होता है, एक्स, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अगर एक्स का पता चल जाएगा तो निर्देशांक का पता चल जाएगा। अब जहाँ पर वाई है, इक्वेशन पर वाई की वैल्यू रख दो। इक्वेशन है 5x + 2y = 10, 5x सेम लिखेंगे, +2 पे 2 गुणे का निशान आएगा, वाई पर वाई की वैल्यू 2 = 1/2 है, इसको आप लिख सकते हो 2 × 4 = 1, 5/2, यानी इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करो, 2 को 2 से गुणा करो 4, ऊपर वाला नंबर प्लस करो, 4 × 1 = 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/2 = 10, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 5x + 5 = 10, तो 5x = 10 रहेगा। नंबर को नंबर की तरफ भेजोगे, नंबर जब इस साइड आएगा तो निशान बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5x = 10 में से 5 जाएगा 5, तो x = 5, ये नंबर आएगा बटे में, 5 × 5 डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 1, यानी x आपको मिल गया 1। तो कह रहा है कि निर्देशांक, तो निर्देशांक आपका होता है एक्स वाई, एक्स आ गया 1 और y कितना था, 5/2, या फिर लिख सकते हो 2 से 1/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। चाहो तो आप 5/2 पर 2 से ही 1/2 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो कोटि और भुज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कंफ्यूज किए थे, तो ये पता होना चाहिए, अगर आपको x का पता यानी भुज का पता है तो इक्वेशन पर वैल्यू रखकर y यानी कोटि निकाल सकते हो, और अगर आपको कोटि यानी y का पता है तो इक्वेशन पर वैल्यू रखकर आप भुज यानी x का मान ज्ञात कर सकते हो। तो ये आंसर नंबर 21 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, यदि बिंदु 1,9/4 समीकरण mx + 4y = 9 के आलेख पर स्थित है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में जरूर किया जाता है, तो ध्यान से देखो, m का मान पूछे हैं, जरूरी नहीं कि m का मान हो, a b c d p q कुछ भी पूछ सकते हैं, कुल मिलाकर सोल्व आप वैसे ही करोगे जैसे करते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन है mx + 4y = 9, ठीक है, और यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं 1,9/4, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया, स्टार्टिंग वाला होता है बच्चों x और उसके बाद वाला y, ठीक है। अब यहाँ पर x पर 1 रखना है और y पर 9/4 रखना है इक्वेशन में, ठीक है। तो m गुणे का निशान x पर आएगा 1 + 4/4 गुणे का निशान y पर आएगा 9/4 = 9। m को 1 से करो, m = m, प्लस 4 से 4 कट गया, 9 = 9, तो m बराबर 9 है। नंबर को नंबर की तरफ भेजोगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, निशान बदल जाएगा, तो m का मान मिलेगा 0, ठीक है। ये हमसे पूछा गया था, आंसर नंबर 22 हो गया, क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न कथनों को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बताइए, ध्यान से देखो, आंसर नंबर 23, ठीक है। x की आयु, ये x की आयु, y की आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो हम बराबर y लिखते हैं, तो कह रहे हैं y की आयु से इधर है 4 वर्ष अधिक है, यानी 4 प्लस कर देंगे। अगर बोलते 4 वर्ष कम है तो यहाँ पर -4 कर देते, तो एक तो इक्वेशन आपका ये हो गया, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करना चाहते हो तो x ऐसे लिखोगे, y को इधर लाओगे तो हो जाएगा -y = क्या बचेगा, 4, ये भी इक्वेशन हो गया। आप ऐसे भी रोक सकते हो, और आगे बढ़ना चाहते हो तो x माइनस वाई, 4 को इधर लाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो
तीन तरीके से इसका आंसर आप दे सकते हो। यहाँ पर रोक दो, पहला इक्वेशन हो गया, अगर थोड़ा और आगे बढ़ाओगे तो ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा तीसरा। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो। और आंसर में यहाँ पर प्लस लगा है वो बिल्कुल गलत है, आंसर पर फोकस मत करना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। कंडीशन समझ लिया करो कि एक्स की आयु वाई की आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो हम वाई की आयु में 4+ करेंगे तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा। अब वाई को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन ये बन सकता है। तीसरा, 4 को भी इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 का होगा, तीसरा इक्वेशन ये बन सकता है। तो आपके यहाँ पर 3 इक्वेशन बनेंगे, ठीक है, आंसर नंबर 23 में, ठीक है, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, निम्न कथन को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बताइए। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु वाई वर्ष, उसके पुत्र की आयु एक्स वर्ष की 2 गुनी होगी। तो ध्यान से देखो, आंसर नंबर 24 क्वेश्चन में दिए हैं, क्या दिया है, पिता की आयु वाई वर्ष, पिता की आयु वाई वर्ष, पुत्र की आयु एक्स वर्ष, तथा पुत्र की आयु एक्स वर्ष, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, ठीक है, ध्यान से देखो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यानी कि प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु भी 4 साल ज़्यादा होगी और पिता की भी आयु 4 साल ज़्यादा होगी। कहने का मतलब 4 वर्ष बाद की बात की, यानी पश्चात की, तो 4 साल बेटे की आयु भी ज़्यादा होगी और पिता की भी आयु ज़्यादा होगी। अगर बोलते 4 वर्ष पूर्व, तो पूर्व यानी पहले के लिए इसमें से भी 4 माइनस करते और इसमें से भी 4 माइनस करते, क्योंकि पहले के लिए आयु कम होती और बाद के लिए आयु बढ़ेगी, 4 वर्ष प्लस करेंगे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 4 वर्ष के बाद पिता की आयु वाई वर्ष, उसके पुत्र की आयु एक्स वर्ष की 2 गुनी है। तो यहाँ पर पुत्र की आयु है, इसकी 2 गुनी है, तो 2 से हम क्या करेंगे, गुणा, ठीक है। अब सॉल्व करो, 2 को एक्स से करेंगे 2x प्लस 2 को 4 से करेंगे 8, ब्रेकर तोड़ोगे, इधर सेम वाई प्लस 4 आया, ठीक है, इधर 2x, वाई को इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस का, प्लस का है बराबर, इधर है 4, नंबर उधर जाएगा ये प्लस का, इधर हो जाएगा किसका, माइनस का। तो ये 2x माइनस वाई बराबर, ये घटाने पर आएगा माइनस 4, आपका इक्वेशन ये हो गया। चाहो तो आप यहाँ पर रोक सकते हो, ठीक है, ये भी आपका राइट है, इक्वेशन बन गया। या फिर 4 को भी इधर लाओगे तो लिख सकते हो 2x माइनस वाई, ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 0। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, इक्वेशन यहाँ पर रोको या फिर आगे बढ़ाओ, दोनों इक्वेशन आपके राइट हैं। तो इस प्रकार से इसे आपको सॉल्व करना है, आंसर नंबर 24 हो गया, क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि वाई बराबर -7, ध्यान से देखो आंसर नंबर 25, वाई बराबर कितना है, -7, तो रूट में एक्स प्लस वाई प्लस 22 और फिर रूट से अलग है -6 बराबर -1 का हल क्या होगा। ध्यान से देखो, वाई दिया है, वाई पर हम रख देंगे -7, तो रूट में है ये, यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 22, फिर आगे -6 बराबर -1 सेम लिखा, इसे सॉल्व करेंगे रूट में तो एक्स ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, निशान बड़े के लगेगा प्लस, 22 में से 7 घटा दो आ जाएगा 15 बराबर -1 है, नंबर को इस साइड भेजेंगे माइनस का, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा एक्स प्लस 15 रूट में बराबर, इधर प्लस माइनस माइनस 5 आएगा प्लस का, निशान इसका बड़ा है, ठीक है। अब इधर रूट है तो हम रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो यहाँ लिखोगे वर्ग करने पर, या लिख सकते हो दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 15, ठीक है, और इधर 5 का वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग करने पर ये रूट हट जाएगा,
ठीक है। इधर केवल क्या बचेगा, एक्स प्लस 15। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना इस रूट को हटाने के लिए वर्ग किया गया दोनों तरफ, ठीक है। तो इधर रूट हट जाएगा और इधर 5 का 5 से गुणा करोगे डबल टाइम हो जाएगा, यानी 5 × 5, ठीक है। कितना आएगा, 25। अब इधर x बराबर ये 25 है, नंबर इधर भेजोगे हो जाएगा माइनस का 15, तो x बराबर आपको मिलेगा 10, ठीक है। क्या मिलेगा, 10। तो ये इनके हल हो जाएंगे, पहले हम लिखते हैं x, उसके बाद लिखते हैं y। तो x आपका आ गया 10 और y क्वेश्चन में दिया था -7, ठीक है। तो ये आ जाएगा हल 10, -7, ठीक है। क्लियर है, ये आंसर नंबर 25 हो जाएगा। कहीं पर कोई डाउट होगा बताना, ठीक है। तो आज की वीडियो में टोटल मैंने क्वेश्चन नंबर 21 to 25 डिस्कस किया। बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।